हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का ब्लड सप्लाई टू हार्ट, यानी हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई कैसे होती है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम हार्ट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, जिसमें हार्ट का कार्डियक साइकिल, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो, और हार्ट के सेल साइज के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब कुछ पढ़ लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का ब्लड में, सॉरी हार्ट में हम लोग का ब्लड कैसे सप्लाई होता है। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या जितने भी हमारे बॉडी के अंग हैं, उन सब में ब्लड की सप्लाई होती है। तो हमारे बॉडी का पार्ट एक हार्ट भी है, तो हार्ट में भी ब्लड का सप्लाई होता है। तो आप कहिए कि ब्लड ही तो है जो सब जगह हार्ट का सप्लाई करता है, तो फिर ब्लड में हार्ट की सप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले तो ब्लड सप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है? ब्लड सप्लाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो किसके थ्रू मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आता है और वहां से वो कहां जाता है? जहां सेल के पास जाना होता है वहां जाता है, और उसको प्रेशर देने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। यानी सब ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट उसको प्रेशर देके जहां भेजना होता है वहां भेजता है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि हमारे हार्ट में जब ब्लड आ रहा है तो फिर हार्ट अपने लिए अलग से क्यों ले रहा है ब्लड? देखिए, पूरा 100% यदि मान लीजिए 100% हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो उस 100% में से 5% हार्ट अपने पास रख लेता है, मतलब पास नहीं रखता है, अपने में सप्लाई करता है। कितना? 5%। 100% में से 5% सप्लाई हार्ट अपने अपने मतलब अपने वाल में करता है, ठीक है, जो उसकी दीवार होती है। तो ऐसा क्यों है जबकि सारा ब्लड हार्ट में ही है? देखिए, हार्ट की जो लेयर होती है बहुत ठीक होती है, जो आप मायोकार्डियम लेयर होता है, मायोकार्डियम लेयर बहुत ठीक होती है, यानी जो हार्ट की चेंबर में ब्लड है वहां से वहां तक ब्लड न्यूट्रिशन आ पाना मुश्किल है, इसलिए हार्ट को अलग से सप्लाई की आवश्यकता होती है। यानी जो मान लीजिए हार्ट की बाहरी वाली वाल है दीवार, तो उसको भी तो चाहिए न्यूट्रिशन, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल पाएगा? जो अंदर है, मान लीजिए हार्ट का चेंबर है, ये हार्ट का चेंबर है, तो इसमें सारा ब्लड भरा हुआ है। चलिए मान लेते हैं ये जो हार्ट का चेंबर है, अंदर वाली दीवार है, परत है, लेयर है, इसने ले लिया यहाँ से न्यूट्रिशन। लेकिन अब इसके बाहर भी तो है परत इसकी, ये एंडोकार्डियम लेयर होती है, यहाँ पे एंडोकार्डियम, और इसके बाहर ये सब मायोकार्डियम होती है और ये एपिकार्डियम होती है। अब यहाँ से न्यूट्रिशन यहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हार्ट को अलग से सप्लाई की आवश्यकता होती है इस लेयर में न्यूट्रिशन को पहुँचाने के लिए। और टोटल 100% में से 5% ब्लड हार्ट अपने लेयर में सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सप्लाई कैसे करता है उसी चीज को हम बताने वाले हैं। देखिए, हार्ट में जो सप्लाई होता है उसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी ब्लड सप्लाई टू हार्ट, यानी जो ब्लड में हार्ट में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट में दो तरह से होता है, दो इसके पाथवे हैं, दो रास्ते हैं, यानी दो चरण में पूर्ण होता है ये। कौन? एक तो एट्रियल सप्लाई और एक वेनस ड्रेनेज, यानी एक एट्रियल सप्लाई और एक वेनस ड्रेनेज सिस्टम द्वारा हार्ट में ब्लड सप्लाई होता है। आपको पता है कि आर्टरी जो होती है ब्लड को ले जाने का कार्य करती है, यानी प्योर ब्लड आर्टरी में बहता है और इम्प्योर ब्लड वेंस में बहता है। तो हमारे बॉडी में सारे जगह आर्टरी है और सारे जगह वेंस है, और हम बता चुके हैं कि आर्टरी और वेंस कैपिलरी के थ्रू आपस में जुड़ी है, ठीक है। यानी एक तरह से हमारी आर्टरी प्योर ब्लड लेके जाती है, तो जहां दूसरी तरफ से वो जुड़ी है कैपिलरी के थ्रू वेंस, वहां से वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। और ये इम्प्योर कैसे होता है? जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ले लेते हैं, और उनके पास जो भी इम्प्योरिटियां होती है वो ब्लड को दे देते हैं। तो जब इम्प्योरिटी ब्लड को दे देते हैं तो क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है, और इम्प्योर हो जाता है तो फिर वो ब्लड पहुंचता है कहाँ? हार्ट के पास, और हार्ट फिर उसको प्योर करने के लिए भेजता है कहाँ? लंग्स के पास, ठीक है। तो ये जो आर्टरियल सप्लाई है यानी आर्टरी है, तो इसमें पूरा ब्लड प्योर ब्लड बहेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड। और जो वेनस ड्रेनेज है, वेनस ड्रेनेज में सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बहेगा, यानी इम्प्योर बहेगा, ठीक है। तो यदि हम आर्टरियल सप्लाई की बात करें, आर्टरियल सप्लाई, तो आर्टरियल सप्लाई दो, यानी आर्टरियल सप्लाई के दो पार्ट्स हैं, यानी दो पार्ट्स में आर्टरियल सप्लाई होता है।
दो आर्टरी होती है मुख्य रूप से हार्ट की, कौन कौन, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आरसीए लिखे हैं और एलसीए लिखे हैं, शॉर्ट फॉर्म है। तो आर्टरियल सप्लाई में मुख्य रूप से कितनी आर्टरी है, दो आर्टरी है, मुख्य मेन आर्टरी है इसकी, ठीक है। आर्टरी तो कई सारी है लेकिन मेन आर्टरी यही है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यदि हम राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो राइट कोरोनरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पत्ति जो एओर्टा होता है, एओर्टा जो निकलता है जिसे हम असेंडिंग एओर्टा कहते हैं, उस असेंडिंग एओर्टा से राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पत्ति होती है। यानी हार्ट की, हमारा हार्ट के चार चैम्बर होता है, दो एट्रियम होता है, दो वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की उत्पत्ति होती है। तो ये मान लीजिए एक हम लोग का ये क्या है, वेंट्रिकल बता रहे हैं, ये क्या है हम लोग का वेंट्रिकल है, कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है ऐसे, ठीक है, और फिर ये डाउन होता है ऐसे, ये क्या है, एओर्टा। देखिए इसमें से ये एओर्टा निकला है, इसकी उत्पत्ति लेफ्ट वेंट्रिकल से है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और ऊपर उठते हुए फिर डाउन होता है, नीचे आता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को जो ऊपर उठता है इसे हम असेंडिंग एओर्टा बोलते हैं। ये क्या है, असेंडिंग एओर्टा है। ये सब हम आपको आगे बताएंगे सर, ठीक है, जब आर्टरी और वेन पढ़ेंगे तो। और जो ये कर्व बनाया ये क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा, सॉरी आर्च ऑफ एओर्टा है, और जो नीचे आया ये डिसेंडिंग एओर्टा है। तो इस असेंडिंग एओर्टा से निकलती है कौन, आर्टरी, कौन आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी इस असेंडिंग एओर्टा में से भी कहां से निकलती है, तो देखिए ये जो कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, तो राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पत्ति होती है बिटवीन राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी ट्रंक, यानी राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के बीच से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक क्या है, पल्मोनरी ट्रंक को हम पल्मोनरी आर्टरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी ट्रंक कह लीजिए, ठीक है। तो इसके बीचों बीच से इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले देखिए इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी कौन सी है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी है जो इधर कुल इधर आई है, यानी ये वाली, ये हम लोग की क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। कहां से निकली है, राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी है, इसके बीचों बीच से निकली हुई है, ठीक है। इसके बीचों बीच से निकलती हुई सल्कस में प्रवेश करती है। अब सल्कस क्या होता है, तो जो हमारा एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है उसके बीच में एक डिप्रेशन बना होता है। जैसे मान लीजिए यह हमारा एट्रियम है, यह हमारा हाथ एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, तो ऐसे उसके बीच में ऐसे डिप्रेशन बना हुआ होता है, यहाँ पे जो डिप्रेशन बना है ऐसे डिप्रेशन बना हुआ होता है, इसी में राइट कोरोनरी आर्टरी जाती है, पास होती है, ठीक है। तो ये है सल्कस, देखिए यहाँ पे बिटवीन राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी ट्रंक, यानी यहाँ से निकलती है और कोरोनरी सल्कस में पास होती है, ठीक है। कहाँ पास होती है, कोरोनरी सल्कस में पास होती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पत्ति पता चल गई, उत्पत्ति कहाँ होगी, काम क्या है इसका, तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट का राइट पोर्शन वाला भाग है, यानी जो उसका राइट पोर्शन है वहां पूरा ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट के पूरे राइट साइड में ब्लड सप्लाई करती है कौन, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रांच, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी के ब्रांच कौन कौन से हैं, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए, नॉलेज कीजिए कौन कौन से ब्रांच है। एसए नोडल ब्रांच, पहला ब्रांच है एसए नोडल ब्रांच, दूसरा ब्रांच है राइट मार्जिनल ब्रांच, तीसरा ब्रांच है पोस्टीरियर एंड एंटीरो वेंट्रिकुलर आर्टरी, क्या है, पोस्टीरियर एंटीरो वेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये क्या है, इसका ब्रांच है, किसका ब्रांच है, राइट कोरोनरी आर्टरी की। ये रहा राइट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की हम बात करते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है, तो देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ओरिजिन कहां से होती है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक से निकलती है कौन, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये देखिए हम लोग का ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और ये पल्मोनरी ट्रंक, हम बताए ये पल्मोनरी ट्रंक है, इसके बीचों बीच से निकली है, यानी ये निकली हुई है, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है, जो हार्ट का लेफ्ट वाला लेफ्ट भाग है वहां पे ब्लड सप्लाई करना, हार्ट के लेफ्ट भाग में ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या बताया कि ये मतलब कहां से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी
और लेफ्ट एट्रियम के बीच से निकलती है, ठीक है, और लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में प्रवेश करती है, लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में प्रवेश करती है। अभी हमने बताया सल्कस क्या होता है, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो डिप्रेशन बनता है उसे हम सल्कस कहते हैं। तो यहाँ पे एक सल्कस बनता है, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच सल्कस बनता है, तो इसमें ये क्या होता है, प्रवेश होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। इस लेफ्ट कोरोनरी सल्कस से प्रवेश होते हुए इसकी कई सारी ब्रांचें बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की, कौन सी ब्रांच है, मुख्य रूप से इसकी एट्रियोवेंट्रिकुलर आर्टरी, एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्या है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, देखिए सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये है, यानी यहां से आते हुए पोस्टीरियर से पीछे की तरफ चली जाते हैं, जिसे हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का थियरी वाला पोर्शन। अब हम आपको प्रैक्टिकली यानी इमेज के थ्रू बताते हैं, देखिए इमेज पे बस आप फोकस करिएगा। देखिए ये हम लोग का इमेज, ये हम लोग का राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, और इधर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चार चैंबर हो गए हार्ट के। हमने बताया कि हार्ट में ब्लड सप्लाई होती है, क्यों सप्लाई होती है, क्योंकि हार्ट की जो लेयर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, उसमें ब्लड सप्लाई करनी और सेकेंड न्यूट्रिशन ऑक्सीजन के लिए। तो ये सप्लाई किसके थ्रू होती है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू होती है। कोरोनरी आर्टरी दो होती है, एक का नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक का नाम है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट के राइट साइड ब्लड सप्लाई करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है जो लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड ब्लड सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट सल्कस में प्रवेश करती है, निकलती कहां से है, तो राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है और पल्मोनरी एट्रियम के बीच से निकलती है, ठीक है, और निकलती हुई ये पीछे की तरफ भी चली जाती है, ठीक है। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी हुई, और ये जो राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लिखा है ये क्या है, पीछे की तरफ गई हुई, यानी पीछे जाके नीचे जाती है, डिसेंडिंग मतलब नीचे, क्योंकि पीछे जाके नीचे की तरफ भी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइट राइट साइड में है, पोस्टीरियर पीछे है, डिसेंडिंग मतलब नीचे, आर्टरी में आर्टरी, तो ये पीछे की तरफ निकली हुई आर्टरी है, ठीक है। तो इसे पीछे ब्लड सप्लाई, जो आपको डार्क कलर दिख रहा होगा इसमें, ये हार्ट के आगे सप्लाई करते हैं एंटीरियर साइड में, और जो लाइट कलर दिख रहा होगा वो मतलब रना हुआ नहीं है, वो पीछे साइड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की उत्पत्ति कहां से होती है, पल्मोनरी एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। किसमें फ्लो होती है, लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में फ्लो होती बहती है, ठीक है। ये है हम लोग की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के लेफ्ट साइड ब्लड सप्लाई करती है, उसके बाद से इसका एक ब्रांच बन जाता है जिसे हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। यही ब्रांच हार्ट के पोस्टीरियर साइड में ब्लड सप्लाई करता है, कहां सप्लाई करता है, हार्ट के पोस्टीरियर साइड में ब्लड सप्लाई करता है। और इसकी एक और ब्रांच है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यानी ये ब्लड आगे हार्ट के आगे साइड में सप्लाई करेगा, लेकिन ये नीचे साइड में होता है, डिसेंडिंग आर्टरी नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये आर्टरी यानी आर्टेरियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं वेनस सिस्टम की, इसको हम मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की, यानी हमारे हार्ट में वेन्स का ड्रेन कैसे होता है, यानी वेन्स ब्लड को कलेक्ट कैसे करती है, ठीक है। हमारे हार्ट में सबसे बड़ी एक ही वेन होती है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस, यानी कोरोनरी साइनस का ही कार्य है कि जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो सबको कलेक्ट करना। अब कोरोनरी वेन्स जो होती है अकेले नहीं ब्लड कलेक्ट करती है, उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी होती है, उस ट्रिब्यूटरी की अपनी अलग अलग मतलब वो क्या बोलते हैं ब्रांच होती है, ठीक है। ये जो कोरोनरी साइनस होता है हार्ट के पीछे से निकलती है, ठीक है, और कहां से निकलती है, डायरेक्ट एट्रियम से निकलती है। किस एट्रियम से, राइट एट्रियम से निकलती है, ठीक है, यानी डायरेक्ट राइट एट्रियम से इसकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, यानी ये डायरेक्ट अपना ब्लड कहां गिरा देती है, राइट एट्रियम में गिरा देती है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग की आर्टरी है, आर्टरी कहां से निकलती है, एओर्टा से निकलती है, यानी वहां आर्टरी में ब्लड कहां से आता है, एओर्टा से आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग की जो वेन्स है वो कहां ब्लड गिरा रही है, सीधे डायरेक्ट ले जाके हार्ट में गिरा रही है, ठीक है। तो ये कहां पे इसकी उत्पत्ति होती है, हार्ट के पीछे साइड से, यानी राइट एट्रियम से उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है कोरोनरी साइनस। क्या नाम है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस हार्ट की सबसे बिगेस्ट वेन है, हार्ट की सबसे बिगेस्ट वेन है। कोरोनरी साइनस क्या है, हार्ट की सबसे बिगेस्ट वेन, ठीक है। इस कोरोनरी साइनस की ट्रिब्यूटरी है,
कौन कौन सी? मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन या फिर ग्रेटर कार्डियक वेन। ठीक है, ये मेन इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये सब यानी इसकी ट्रिब्यूटरी है, हार्ट से ब्लड कलेक्ट करती हैं और वो ब्लड कलेक्ट करके कहाँ गिराती हैं? कोरोनरी साइनस में गिराती हैं। और कोरोनरी साइनस को ब्लड को कहाँ गिराता है? राइट एट्रियम में गिराता है। ठीक है, देखिए आप फिगर के माध्यम से समझिए, ये है हम लोग की कोरोनरी साइनस, इसे हम कोरोनरी वेन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? कोरोनरी साइनस है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? हार्ट के पोस्टीरियर साइड से, राइट एट्रियम से। ठीक है, इस कोरोनरी साइनस की मुख्य रूप से तीन ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन से? एक है हम लोग का ये, इसका नाम है ग्रेटर कार्डियक वेन। ठीक है, दूसरा है ये, यानी ये वाला पोर्शन, इसका नाम है स्मॉल कार्डियक वेन। और तीसरा है हम लोग का मिडिल कार्डियक वेन, यानी ये जो नीचे की तरफ आई है, ये मेन इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यानी ये सभी क्या करेंगी? ब्लड को कलेक्ट करेंगी और ब्लड को कलेक्ट करके इस कोरोनरी साइनस में गिराएंगी और ये कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ले जाकर अपना ब्लड गिरा देगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा हम लोग का क्या, हार्ट सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू हार्ट। हमने क्या कहा, ब्लड सप्लाई हार्ट में मुख्य रूप से हमारे आर्टरी और वेंस का कार्य होता है। आर्टरी जो होती है हार्ट को ब्लड देने का कार्य करती है, यानी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, वो हार्ट में प्योर ब्लड पहुंचाती है। और वहीं पे वेंस होती है, वेंस में इम्प्योर ब्लड होता है, यानी हार्ट के वो सारे इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके लाके हार्ट में गिरा देता है। आर्टरी जो होती है, आर्टरी की ओरिजिन एरोटा से होती है, लेकिन वेन की ओरिजिन यानी जो कोरोनरी साइनस है उसकी ओरिजिन डायरेक्ट हार्ट से होती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्या, ब्लड सप्लाई टू हार्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।